एंड एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय वायुसेना से। भारतीय वायुसेना के द्वारा इस समय स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल है इनको प्राथमिकता दी जा रही है, और इसी क्रम में अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 को समर्थन देने के बाद भारतीय वायुसेना डर्बी ERBVR मिसाइल को ड्रॉप कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इनिशियल प्लान तो यही था कि भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में IDERBY-ER मिसाइल जो है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर-टू-एयर मिसाइल है, इसे सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 की फ्लीट में इंटीग्रेट करने वाली थी, लेकिन अब इसे ड्रॉप कर दिया गया है और भारतीय वायुसेना सिर्फ लोकल एयर टू एयर मिसाइल को सपोर्ट करेगी जो भारत में बनाई जाती है। इसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, और अस्त्र मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है, यह मिसाइल शामिल है। और अब IDERBY-ER के चांसेस काफी कम यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जेन टेक्नोलॉजीज को लेकर के आ रही है। जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित एंट्री ड्रोन सिस्टम जो कि हार्डकिल के साथ आता है, ये डिलीवर कर दिया है। और उन्होंने उस सफलता को फॉलो किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने पहले जो सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी थी उसके पर आधारित एक एंट्री ड्रोन सिस्टम बिल्ड किया था। उनका कहना है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप है और ये भारत की जो रोबस्ट प्रोटेक्शन है उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके जो प्राइमरी टारगेट होंगे ये एनमी के बेसिकली जो ड्रोन्स हो सकते हैं या लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं, इनको ये न्यूटिलाइज करने में सक्षम होगा। दरअसल ये कोई नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, या यूं कह लें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसे जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा विकसित किया गया है। और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित करते रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट लोरा मिसाइल को लेकर के आ रही है। इसराइल और स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई गई लोरा जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर इस समय इसराइल और स्पेस इंडस्ट्री जो है एयर लोरा जो मिसाइल है इसको P-8I की जो फ्लीट है इसमें इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है। और उनका इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि एयर लोरा के इंटीग्रेशन के बाद जो P-8I ऑपरेटर्स हैं इनके पास एक एडिशनल फायर पावर आ जाएगी, जिसके चलते ये ग्राउंड टारगेट्स या हैवली फोर्टिफाइड जो टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। अब अगर हम एयर लोरा की बात करें तो इसे गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल एक्यूरेसी और स्टैंड ऑफ रेंज के साथ में आएगी, जिसके चलते जो P-8I ऑपरेटर हैं ये एक सेफ डिस्टेंस से ही इस मिसाइल को लॉन्च कर सकेंगे। इसके चलते जो कोलेटरल डैमेज का रिस्क है वो भी काफ़ी कम होगा और एनिमी टारगेट को ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहेंगे। एयर लोरा काफ़ी वर्सिटैलिटी के साथ में आएगी, क्योंकि इसमें सेलेक्टेबल वॉरहेड्स का ऑप्शन होगा, जैसे कि अगर हमें एक बड़े एरिया टारगेट को हिट करना है तो इसमें हमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड देखने को मिल सकते हैं, जबकि अगर हमें कोई हैवली फोर्टिफाइड जो स्ट्रक्चर है उनको पेनिट्रेट करना हुआ तो इसमें डीप पेनिट्रेशन जो वॉरहेड है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का कहना है कि ये P-8I के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबको ऑफर की जा सकती है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। हालांकि सिर्फ P-8I ही नहीं बल्कि दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी ये मिसाइल इंटीग्रेट की जा सकती है। इंडियन नेवी जो कि P-8I की लार्जेस्ट ऑपरेटर है, या वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर आप कह सकते हैं ग्लोबली, उनको भी ये मिसाइल अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। लेकिन तो जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कैट्स प्रोग्राम को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, और इसके अंतर्गत कैट्स वॉरियर जो लॉयल विंग मैन है इसका निर्माण भी किया जा रहा है। और अब इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि एक तरफ जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स वॉरियर के डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी संजीदा है, काफ़ी गंभीर है और रफ्तार के साथ इसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस प्रोग्राम में अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रही है और आने वाले भविष्य में अप्रॉक्सीमेटली 120 यूनिट जो है कैट्स वॉरियर की ये भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदी जाएंगी इनिशियली, और बाद में ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। दरअसल कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होगा जो कि मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करेगा और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ये पहले एंटर करेगा और एनिमी के रडार सिस्टम और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके एक सेफ पैथ प्रदान करेगा, जिसके बाद जो मैन्ड फाइटर्स है ये अपने मिशन को एग्जीक्यूट करके चले आएंगे। अब अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेंगे और रियल टाइम डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेंगे। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि बिना या काफ़ी कम ह्यूमन इंटरवेंशन के जो मिशन है वो एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे और ये लगातार मैन्ड एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेशन में होने वाले हैं।
अलग अलग कॉम्बैट रोल में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, जिसमें सर्वेलेंस रिकॉनसेंस से लेकर के जो स्ट्राइक मिशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट है, इसको भी एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। इसमें स्टेल्थ और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज है उनका भी इस्तेमाल काफी किया जाएगा और इसकी जो बैटल सर्वाइवेबिलिटी है ये भी काफी इनहेंस होने वाली है। रेगुलर अपडेट अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली एक प्रमुख वार्ता को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने थर्ड टर्म की शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण भी पूरा कर लिया है। तो अब बहुत जल्दी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक्स विलियन के बीच में एक महत्वपूर्ण वार्ता को सुनिश्चित किया गया है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के को डेवलपमेंट को लेकर के जो डिस्कशन है ये रिज्यूम होंगे, क्योंकि पहले ये जो डिस्कशन थे ये जनरल इलेक्शन के चलते स्थगित कर दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो आगे के वार्तालाप है इनकी शुरुआत करी जाएगी, जहाँ पर अमेरिका स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के को डेवलपमेंट के लिए भारत को आमंत्रित कर रहा है और ये जो ज्वाइंट प्रोडक्शन एफर्ट है इस पर काफ़ी ज़्यादा वो जोर भी दे रहा है। इस एफर्ट के अंतर्गत भारतीय थल सेना के साथ तकरीबन 300 की यूनिट 300 संख्या में जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के प्रयास में अमेरिका है, जो कि भारत में ही असेंबल की जाएंगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि इसके लिए जो बातचीत है ये बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। अमेरिका के द्वारा स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के अलग अलग वेरिएंट ऑफर किए गए हैं, जिसमें इस पर आधारित एक एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को ऑफर किया गया है। लेकिन भारत इसको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, क्योंकि अब हमारे पास जो इंडिजिनस ऑप्शंस हैं, जिसमें टाटा वैप हो गया, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय थल सेना जो है इंडिजिनस सिस्टम के साथ जाती है या स्ट्राइकर के चांसेस हमें आने वाले भविष्य में बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि कल से रिपोर्ट सामने आई है यूज्ड मिराज 2000 की खरीद की, तो उसके बाद से एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है कि आखिरकार 66 मिलियन डॉलर पर यूनिट की कॉस्ट में अगर हमें यूज्ड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं कतर से, जिनमें सिर्फ 10 से 12 वर्ष की सर्विस लाइफ बची है, तो क्या ये हमारे लिए एक सेंसिबल डिसीजन होगा, या फिर भारतीय वायुसेना को 43 मिलियन डॉलर में मिलने वाले तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट के एडिशनल ऑर्डर को कंसीडर करना चाहिए। दरअसल इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं इनके अपने अलग अलग मत हैं और उनका मत यही कहता है कि भारतीय वायुसेना को 66 मिलियन डॉलर पे अगर सेकेंड हैंड जेट्स मिल रहे हैं तो इससे अच्छा यही होगा कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर करे, क्योंकि इनमें बड़ा डिफरेंस ये है कि जो मिराज 2000 ऑफर किए गए हैं कतर के द्वारा, इनमें स्पीड बेसिकली ज़्यादा है क्योंकि ये मैक 2.2 की स्पीड पर जा सकते हैं और इनमें जो सर्विस लाइफ है ये 10 से 12 वर्षों की ही बची है। ये बड़ी संख्या में जो वेपन्स हैं और जो दूसरे पेलोड हैं वो कैरी करने में सक्षम है। वहीं दूसरे हाथ अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस की टॉप स्पीड मैक 1.8 की है। भले ही ये मिराज से थोड़ा स्लो हो लेकिन कैपेबिलिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस रेडार सिस्टम देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देखने को मिलेंगे, मल्टी मोड रेडार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आने वाले भविष्य में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो इंकॉर्पोरेट होती रहेंगी और ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 40 वर्षों की जो सर्विस लाइफ है वो हमें मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मानी जा रही है। लेकिन फिर भी देखना है कि भारत की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना की टीम जाएगी, इंस्पेक्ट करेगी और इंस्पेक्शन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।